कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, क्या राहुल जी डरो मत, कहते अमेठी से लड़ो मत। आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया है। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं। राहुल गांधी भी जानते हैं कि जो उनका परिवार 50 सालों में नहीं कर पाया वो 5 साल में स्मृति ईरानी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया है। इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। राहुल जी डरो मत, कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। एक बात तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने स्वीकार ली है कि अमेठी जिसे वो अपना पॉकेट बरो, फैमिली बेस्टिन ये सब मानते थे, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया, और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखे ना, वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया, अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं, और रायबरेली के लोग कोई ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद नहीं बनाएंगे जो उनके बीच ही ना रहता हो, जो विदेश में ज्यादा रहता हो। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने वाली है, और देश में एनडीए 400 पार होने वाली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज राहुल गांधी जिस प्रकार से अमेठी छोड़कर भागे हैं उसी से मिल जाता है।